नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी के शेयरों में मौजूदा लेवल से करीबन 90% तक की तेजी आ सकती है। और ब्रोकिंग फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने गुरुवार 16 फरवरी को जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। फर्म का कहना है कि टेक्नो इलेक्ट्रिक का दिसंबर तिमाही के दौरान रेवेन्यू घटा है, लेकिन ये जो है एक बार लगने वाला झटका है और कंपनी का भविष्य यहां से काफी उज्ज्वल दिख रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्जीक्यूशन में मजबूत तेजी, विंड एनर्जी एसेट की बिक्री और डेटा सेंटर के बिजनेस में कंपनी की एंट्री से आने वाले तिमाहियों में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत रहने की उम्मीद है। और इन वजहों को देखते हुए एक्सपर्ट स्टॉक को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और इस पर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों, टेक्नो इलेक्ट्रिक के शेयरों के लिए ₹500 का टारगेट दिया गया है और ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के अनुमानित पीआई का 19 गुना है। और ये जो ₹500 का टारगेट दिया गया है वो करेंट प्राइस से 90% ऊपर है। दोस्तों, टेक्नो इलेक्ट्रिक का दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर रेवेन्यू जो है 37% घट गया है। कंपनी ने बताया कि सप्लाई चेन से जुड़ी रुकावटों के चलते दिसंबर तिमाही के दौरान उसका रेवेन्यू घट गया है और उसने एक बार होने वाला ये झटका बताया है। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में ईयरली बेसिस पर 42% घट गया है और जो मार्जिन है वो भी ईयरली बेसिस पर 0.99% घट गया है। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 74% घट गया है। कंपनी ने बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक एसेट बेचा था, जिसकी वजह से कंपनी को इससे पहले वाले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था और यही वजह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 74% घट गया है। हालांकि दोस्तों, प्रॉफिट घटने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने लास्ट ईयर एक एसेट बेचा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आया था। दोस्तों, टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में कारोबार करती है। पहला है EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरा रिन्यूएबल पावर जनरेशन वही विंड पावर वाला, और तीसरा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोस्तों, इसमें कंपनी के रेवेन्यू का 92% हिस्सा EPC सेगमेंट से आता है। वहीं कंपनी के पास 130 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला विंड पावर प्लांट भी है। दोस्तों, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कंपनी के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।